नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोजपा के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद पूरा बिहार शोक में डूब चुका है। एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी मनाया गया है और आज उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। देखिए तस्वीर किस तरीके से पटना के बेरी रोड की है, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो समर्थक हैं वो निकल चुके हैं रामविलास पासवान की इस अंतिम यात्रा में, जहाँ पर तमाम वो जो नेता हैं वो भी मौजूद हैं। सुबह से ही अगर हम बात करें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हों, उपेंद्र कुशवाहा हों, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव हों, तमाम वो नेता, पूनम यादव हों जो विधायक हैं जेडीयू की, कौन सा दल छूट गया है आप समझ सकते होंगे, कोई दल नहीं छूटा है। कल देर शाम जब पटना एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर आया था, वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, वहीं उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है। विधानसभा में भी उन्होंने पुष्प चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और देख सकते हैं पटना के हड़ताली मोड़ की ये तस्वीरें हैं जो अब तक पहुंचा रहे हैं। हज़ारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं, गाड़ियों का काफिला भी पीछे आ रहा है और समर्थक उन्हें घेरे हुए हैं। हाजीपुर से भी कई सारे लोग आए, आपको पता है कई बार लोजपा से वह सांसद रहे, लोजपा पार्टी से अपनी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा और वह सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने, छह प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का उन्हें मौका मिला। और ऐसे में रामविलास पासवान जब आज अपने इस अंतिम सफ़र पर हैं जीवन के, तो सभी लोग उन्हें नम आँखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब तस्वीर देखते हो किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद हैं, पीछे गाड़ियों का काफिला है। रामविलास पासवान को नम आँखों से सभी लोग आज विदाई दे रहे हैं और ऐसे में सभी लोग अपने नेता की अंतिम झलक पाना चाहते हैं। गाने बजाने के साथ रामविलास पासवान चल पड़े हैं अपने जीवन के इस अंतिम सफ़र में। और ऐसे में आप देख सकते हैं पटना का जो बेरी रोड है पूरी तरीके से गाड़ियों से खचाखच भरा हुआ है। रामविलास पासवान को अंतिम विदाई दी जा रही है। ऐसे में तमाम वो नेता, रविशंकर प्रसाद हों, केंद्रीय मंत्री, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी और आज पटना में यह जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सड़कों पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते होंगे किस तरीके से गाड़ियों का काफिला आ गया, आगे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। रामविलास पासवान जिनका राजनीतिक सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है, लोग कहते हैं कि उनका कोई दुश्मन नहीं हो पाया आज तक, क्योंकि उन्होंने कभी किसी पर व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं किया है। और अंतिम सफ़र पर निकल चुके हैं रामविलास पासवान हज़ारों समर्थकों के साथ। इस कोरोना संकट के दौर में भी लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन अपने नेता को वह घाट तक छोड़ने जा रहे हैं। दीघा स्थित जनार्दन घाट पर अगले एक से दो घंटों के अंदर उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हम हर पल हर खबरों से आपको अपडेट कर रहे हैं। ऊंचाई से आपने देखा है कितनी भीड़ के साथ रामविलास पासवान अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।